कि गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं, गदाधर पंडित राधा रानी का ही स्वरूप है, तो एक प्रकार से हम राधा रानी का आविर्भाव भी मना रहे हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी आती है, उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के बाद जो है ये गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस आता है। तो वैसे तो एक साल जो है गदाधर पंडित छोटे थे चैतन्य महाप्रभु से, तो पर वो तिथि के अंदर उनके बाद आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंच तत्व जो है कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, तो ये जो पांच है, ये पांच तत्व हैं जो एक साथ जो गौरमंडल में आए थे, और इस पांचों की जो एक शक्ति है उसी से उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु ने ये मूवमेंट खड़ा किया था, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने का मूवमेंट उन्होंने किया था। तो जब तक हम इन पंच तत्वों को नहीं समझेंगे, गौर हरि को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज को हमको समझना है कि गदाधर पंडित पंच तत्व के भाग हैं और उनको समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं जो राधा के भाव को लेके प्रकट हुए थे, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं और वो उनके अभिन्न विग्रह हैं, चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न विग्रह हैं, उनमें कोई विशेष फर्क नहीं है, वो अपना अपना उन्होंने जो है विभाजन किया हुआ है। और महासंकर्षण के जो अंश महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य हैं, तो ये जो तीनों हैं यानी कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये भगवान स्वरूप हैं तीनों। और गदाधर पंडित भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं यानी कि श्रीमती राधा रानी के स्वरूप हैं, और श्रीवास पंडित भगवान की तटस्था शक्ति यानी कि जीव को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवात्माओं को, और भक्त हैं यानी कि नारद मुनि के अवतार हैं। तो इस प्रकार से जैसा हम जानते हैं भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो ये जो माया है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, और जीव जो है वो तटस्था है। वो चाहे तो भगवान को भक्ति करते हुए जो है अंतरंगा शक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएं, या माया में लगते हुए माया शक्ति के प्रभाव में आ जाएं। तो इस यहां पर ये पंच तत्व के अंदर जो जीव शक्ति है ये भक्ति करते हुए भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक है, ये पंच तत्व जो है वो एक है, इसको हमको समझना है। तो अब इस श्लोक पे आ जाते हैं हम, जो चैतन्य चरितामृत के आदि 1:41 से है। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति, गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडितादि प्रभुर निशक्ति तासवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडिता प्रभु निज शक्ति तासवार चरणे मोर सहस्त्र। महाराज बोलिए, शक्ति महाराज बोल दिया। अच्छा, गदाधर पंडितादि प्रभु निज शक्ति तासवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति।
गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासावार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासावार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। बोलिए, गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। माताएं, गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूं, जिनमें से श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। यानी कि भगवान की अंतरंगा शक्तियों में जो दूसरे थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय विशेष थे। ऐसे जो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो ललिता विशाखा के जो हैं रूप थे, तो इस प्रकार से उन सभी जो अंतरंगा शक्ति हैं भगवान की, उन सबको नमस्कार करता हूं, जिनमें से गदाधर पंडित प्रमुख हैं। गदाधर पंडित इस प्रकार से जो है यहाँ पर साक्षात जो है सन्यासी वेश के अंदर यहाँ गदाधर पंडित हैं, तो इनको सहस्त्र बार हम जो है बार बार हजार बार प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इनकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु या राधा कृष्ण हमें नहीं प्राप्त हो सकते हैं, तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। चैतन्य चरितमृत आदि 7:17 में गदाधर पंडितादि प्रभुर शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन यहारा। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की शक्ति अवतार मानना चाहिए, तो वो जो है भगवान के ही एक्सपेंशन है, शक्ति के रूप में है। और शक्तिमान और शक्ति वो जो है उनमें कोई विभेद नहीं हो सकता, वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंगा भक्त हैं। तो इस चीज को हमको समझना है कि भगवान का ही रूप है वो, जो पंच तत्व में पांचों जो है पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रस आस्वादिते तबु विविध विभेद। वास्तव में जो पंच तत्व में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो विभेद जो है भी तो वो सिर्फ लीला के रूप में है कि भगवान की भक्ति करने के आस्वादन करने के लिए, उसमें विविधता पैदा करने के लिए भगवान के लीला के अंदर जो है उनके अंदर विभेद है। वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर जो है सब चीजें समान हो जाती हैं, क्योंकि सभी जो है वो भक्त और भगवान मैं हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को हमको समझना चाहिए कि ये जो विभाजन है ये सिर्फ विविधता को पैदा करने के लिए भक्ति के अंदर, भगवान की सेवा में, भगवान की लीला में। तो इस बात का हमको समझना है। शक्ति तत्व तथा जीव तत्व जिन्हें गदाधर तथा श्रीवास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वे परमेश्वर के आराधक या पूजक हैं। तो ये तीन, जैसा कि हमने बात की, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैत, ये भगवान स्वरूप हैं, और दो जो शक्ति स्वरूप हैं ये भगवान के आराधक हैं, पूजक हैं। जैसा कि हम सब कहते हैं राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, तो वही बात यहाँ बताया है कि भी जो भगवान और भक्त जो हैं वो इस प्रकार से भेद हैं, किंतु वो एक ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में कहा है, श्री कृष्ण की अलाहदनी शक्ति जो पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी, अब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में साक्षात प्रकट हुई है। तो ये जो है हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से राधा रानी को हम भगवान मानते हैं, उसी प्रकार से गदाधर भी भगवान है पर शक्ति तत्व है। इस चीज को हमको हृदय में जो है मान लेना चाहिए। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने तत तत बाढ़े जल व्यापे त्रिभुवने।
तो ये जो पंच तत्व हैं ये मिलकर संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो वो कृष्ण प्रेम किस प्रकार से प्रेम की जो वृष्टि है जो है वो करे जा रहे हैं, बारिश खूब जो है बादलों से बारिश हो रही है। और पात्र कौन है उसके, हम सब जो जीव आत्माएं हैं हम सब पात्र हैं, वो जितना हम जो है प्रेम इकट्ठा करना चाहें तो वो तो वृष्टि कर रहे हैं, पंच तत्व खूब प्रेम की जो है वृष्टि कर रहे हैं। और हम अपनी पात्रता बनाएं और अपने को योग्य बनाएं और उस प्रेम को जो है हम अपने हृदय में इकट्ठा करते जाएं। तो पंच तत्व के पांचों सदस्य कृष्ण प्रेम की जितनी ही वृष्टि कराते हैं उतनी ही बाढ़ आती जाती है और वह सारे विश्व में फैल जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष पात्र जो है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु के जो है इस प्रकार से जो कृष्ण प्रेम को इतना हृदय में स्थापित किया और पूरे विश्व के अंदर जो है उसकी बाढ़ जो है उन्होंने करी, और बाढ़ करते हुए हम सबको जो है उन्होंने जो है कृष्ण प्रेम के अंदर जो है पदार्पण किया हमारा। तो हमको समझना चाहिए हमारा सौभाग्य कि भी पंच तत्व के द्वारा हमको सौभाग्य मिल चुका है, हम अपनी पात्रता करें और उस कृष्ण प्रेम को हम लेते हुए और कृष्ण प्रेम से अपने जीवन को हम सफल करें, कृष्ण की सेवा में हम इस प्रकार से अपने जीवन को लगाएं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वो कृष्ण और राधा के संयुक्त रूप हैं, तो फिर जो गदाधर पंडित हैं वो राधा रानी की दूसरी अभिव्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसा कि कहा जाता है कि राधा रानी का भाव और रंग लेके प्रकट हुए, तो फिर गदाधर पंडित क्यों, क्योंकि वो दूसरी अभिव्यक्ति है साक्षात राधा रानी की। और क्यों है वो चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए राधा रानी गदाधर के रूप में जो है प्रकट हुई है। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए कि भी राधा रानी चैतन्य महाप्रभु में भी जो है सम्मिलित है और साथ साथ उनके जो है गदाधर पंडित के रूप में हैं, और वो जो है राधा रानी के रूप में जो है सेवा कर रही हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये एक जो है बड़ा ही सुंदर रूप है, राधा रानी की ही सब लीला है, चैतन्य महाप्रभु और ये सब जो है उन्हीं की करुणा शक्ति है जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर है और गदाधर पंडित के अंदर है, इस चीज को हमको समझना है। तो चैतन्य महाप्रभु चार प्रकार के रसों के अंदर जो है अपने भक्तों के साथ आस्वादन करते थे। पूरी वात्सल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध सख्य गोविंद आदेर शुद्ध दास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य रसानंद एई चारी भावे प्रभु अश। मध्य 2:78 से श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने संगियों में परमानंद पुरी से वात्सल्य रस, रामानंद राय से सख्य, गोविंद तथा अन्यों से शुद्ध सेवा और गदाधर जगदानंद तथा स्वरूप दामोदर से माधुर्य रस प्राप्त होता था। वे इन चारों रसों का आनंद लूटते थे और इस तरह अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञ बने रहते थे। तो ये हमें समझना चाहिए कि भी हर भक्त का जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में है वो कोई ना कोई जो है रस के अंदर महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो हर जीवात्मा का भी इसी प्रकार से भगवान से संबंध है, नित्य संबंध है। हमें मालूम नहीं है हमारा नित्य संबंध वो क्या है, वो भगवान और भक्त जो है धीरे धीरे रिवील करते हैं। हमें भी अपनी नित्य सेवा में भगवान से इन्हीं चारों रसों में, और जैसा कि कहा गया है जो चैतन्य महाप्रभु या गौड़ीय वैष्णव हैं उसमें ज्यादातर जो भक्त हैं वो माधुर्य प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया है, और माधुर्य प्रेम में वो राधा कृष्ण की जो है सेवा में लगना चाहिए उनको, ऐसा कहा जाता है। तो गदाधर पंडित जो हैं उनका जन्म नवद्वीप में हुआ था। उनके पिता माधव मिश्र थे जो स्वयं माधवेंद्रपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी। उनकी माता जो है वो रत्नावती थी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त थी। तो और गदाधर आंगन जो उनका घर था, गदाधर आंगन वो श्रीवास आंगन के 30 गज की दूरी के ऊपर ही स्थित है, पास में ही है। और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं उनका जन्म जो है वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के एक साल के लगभग बाद में हुआ था। बचपन से ही गदाधर
बहुत ही जो है महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और उनसे बड़ा प्रेम था, उनसे बड़ा लगाव था उनका बचपन से ही। और दोनों साथ साथ जो है गंगादास की जो है टोली में, पाठशाला में जो है पढ़ते थे। और इनके स्वभाव में बिल्कुल डिफरेंस था। एक तरफ जो गदाधर पंडित बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे, और उसके विपरीत जैसा कि हम जानते हैं महाप्रभु बहुत ही चंचल और उद्दंड थे। वो हर समय जो है कुछ न कुछ जो है करते रहते थे, जिससे जो है सब लोग परेशान रहते थे उस समय। और निमाई जो है गदाधर को भी चढ़ाने के लिए उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर जो है उल्टा सीधा होता था। तो ये इस प्रकार से वो अपनी लीला करते थे गदाधर पंडित से बचपन से ही। गदाधर पंडित ने जो मंत्र दीक्षा जो है श्री पुंडरीक विद्यानिधि से ली थी। तो जैसा कि हम जानते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो विश्वभानु के जो है अवतार थे। तो विश्वभानु जो राधा रानी के पिताजी थे कृष्ण लीला में, तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो एक रईस, एक धनी और एक जो है संसारी पुरुष की तरह से प्रतीत होते थे। तो वो नवद्वीप जब आए तब उनसे मिलने के लिए गदाधर पंडित गए थे। और जब वो वहां पर उन्होंने देखा कि भी वो पान खा रहे हैं, उनको पंखे जो है उनके सेवक जो है झल रहे हैं, और वो इस प्रकार से जो है विलासिता के अंदर दिख रहे थे, तो उनके मन में ये थोड़ी सी नफरत सी आई कि ये कैसे वैष्णव है, ये तो वैष्णव नहीं हो सकते हैं। वैष्णव क्योंकि गदाधर पंडित शुरू से ही बचपन से ही विरक्त स्वभाव के थे, वो संसार से उनको पूरी विरक्ति थी, तो उनको एकदम ऑपोजिट जो है वो लगा। परंतु जैसे ही श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ा गया तो पुंडरीक विद्यानिधि में सब प्रकार के जो है सात्विक भाव उत्पन्न हुए और वो जो है धरती पर लौट गए, अश्रु प्रवाह होने लग गया और उनको जो है वो बेहोश हो गए। तो ये सब चीज देख के उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने इतने महान वैष्णव को तुच्छ समझ लिया और उनकी बाहर की जो स्वरूप है उससे उनको आका, उनकी भक्ति जो है इतनी महान होते हुए मैंने उनको जो है अपनी नजरों से जो है अपने मन में मैंने जो है अपराध किया। ऐसा वो सोच के उन्होंने जो है उनसे दीक्षा लेने का मन बनाया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने जो है अपने मन की बात कही और महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, तब जो है पुंडरीक विद्यानिधि से उन्होंने दीक्षा ली। तो हमको समझना चाहिए कि भी जो भक्त हैं उनसे डीलिंग करते समय, उनसे आदान प्रदान करते समय हमको ये देखते रहना चाहिए कि उनका बाहरी स्वरूप जो है वो कई बार भ्रमित कर सकता है हमें। तो उनकी जो उनके जब तक उनकी भक्ति का हम जो है आनंद ना लें तब तक उनको हम आंक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया और वो जगन्नाथपुरी चले गए तो गदाधर तो उनके बिना रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी जो है जगन्नाथपुरी में ही अपना वास कर लिया। और गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं तो यही रहना है मुझे। नॉर्मली जो है सन्यासी जो है वो जगह जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए, पर उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। तो वो एक स्थान पर रहकर जो है महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे। तो उनका जो भागवतम पे जो है विशेष पाठ होता था और वे महान विद्वान थे और भागवतम पे उनके प्रवचन सुनने के लिए सब लोग वहां आते रहते थे। और उनका एक नियम था प्रतिदिन जो है सुगंधित फूलों से सुंदर माला बनाकर वो चैतन्य महाप्रभु को जो है सुसज्जित करते थे और चैतन्य महाप्रभु के अंग में जो है चंदन का लेप प्रतिदिन वो करते थे। और अगले दिन सुबह वो मालाओं को लेके सब भक्तों में जो है खूब आनंद से बांटते थे, भक्त लोग उसको माला को पहनते थे और आनंदित होते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जब निर्णय लिया कि वो वृंदावन धाम की यात्रा पे निकलेंगे, तो जैसे ही वो निकले तो गदाधर पंडित तो बाहर रह नहीं सकते थे उनके बिना, और एक तरफ उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था तो बड़ी विडंबना थी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र संन्यास भी छोड़ दूंगा महाप्रभु के लिए। तो ऐसी लीला यहां हुई। तो परंतु महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ी हा,
कि भी आप जो है क्षेत्र संन्यास जब ले लिए हो नियम तो इसको छोड़ना नहीं है। तब गदाधर पंडित ने कहा, पंडित कहे यहां तुम्ही से ही नीला चल क्षेत्र संन्यास मोर याऊ कर सातल। गदाधर पंडित महाप्रभु से बोले, आप जहां भी रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है, तथा कथित क्षेत्र संन्यास नरक में जाए, कि चाहे मुझे नरक में जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूं, परंतु आपके जो चरण हैं, आप जहां पर हैं वही तो नीलाचल है, तो मेरा क्षेत्र संन्यास का नियम वास्तव में नहीं टूटेगा, पर अगर टूटे भी तो टूटे, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूं, आप ही मेरे जगन्नाथ हो। तो जैसा हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ हैं ही, तो उन्होंने फिलोसफिकली ये बात बिल्कुल सही कही थी। तो प्रभु ने कहा, यानी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहां कर गोपीनाथ सेवन पंडित कहे कोटि सेवा त्वत पाद दर्शन। तब उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है, तो उन्होंने बात को पलटा कि भी गोपीनाथ जो है टोटा गोपीनाथ की सेवा आपके पास है तो वो सेवा कौन करेगा, तो आप उनकी सेवा के लिए यहां रुक जाइए। तो गदाधर पंडित क्या कहते हैं कि आपके जो पाद दर्शन है, आपके चरण दर्शन है, वो जो है गोपीनाथ की कोटि कोटि सेवा के बराबर है। तो यहां भी जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जो है उनका उन्होंने जवाब दे दिया कि भी आप जो है गोपीनाथ ही हैं, जो आपके जो है चरण दर्शन हमको मिलेंगे तो वो उनसे हजार गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप स्वतः हो, आप साक्षात हो, और वो आप ही के श्री विग्रह हैं। तो श्री विग्रह की सेवा छोड़कर मैं साक्षात कृष्ण की सेवा में मैं जब लग सकता हूं तो मैं श्री विग्रह की सेवा करना मेरे लिए नियम नहीं है। ये भी फिलोसफिकली उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। तो परंतु महाप्रभु ने गदाधर पंडित को जगन्नाथपुरी छोड़ने नहीं दिया, तो उनको फिर वास्तव में उनको आदेश देना पड़ा लास्ट के अंदर। फिलोसफिकली तो वो नहीं समझा पाए, तो उनको आदेश दिया, प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्त गण, भक्त धर्म हानि प्रभुर ना होए सहन। महाप्रभु के लिए सारे भक्त अपने सभी तरह के कार्य छोड़ सकते थे, फिर भी महाप्रभु नहीं चाहते थे कि भक्तगण अपने वचनबद्ध कर्तव्यों को छोड़ें। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको वापस लौटा दिया, और गदाधर पंडित जो है वापस आ गए, कि वो जानते थे कि भी ये मेरे साथ रहना गदाधर जी का अच्छा है, परंतु क्योंकि नियम ले लिया है तो भक्त के जो नियम को जो है वो नहीं, अपने हृदय पे उन्होंने जो है पत्थर रखा चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो भी चाहते थे गदाधर का संग, परंतु क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा थी वो नहीं टूटनी चाहिए, तो इसलिए जो है उन्होंने उनको वापस भेजा। परंतु किन्हीं कारणोंवश महाप्रभु निकले थे वृंदावन, और आधे रास्ते से वो जगन्नाथपुरी वापस लौट आए। तब उन्होंने कहा, गदाधरे छाड़ी गेनु एहो दुख पाइला, सेई हेतु वृंदावन जाइले नारीला। मैंने वहां गदाधर पंडित को छोड़ दिया तो वह अत्यंत दुखी हुआ था, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा पाया। तो देखिए गदाधर जी की इतना आकर्षण था कि वो आधे रास्ते से ही चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए, और उस चीज को एक्नोलेज किया चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं जब निकला तो इतने दुखी थे गदाधर पंडित, और उनका दुख जो है देखते हुए मैं जो है वृंदावन नहीं जा पाया, और जो है वृंदावन से वापस मैं आ गया। तब गदाधर पंडित ने कहा, क्या कहा गदाधर पंडित ने, तुमी जहां जहां रह वृंदावन, तहां जमुना गंगा सर्व तीर्थ गण। आप जहां कहीं भी रहते हैं हे चैतन्य महाप्रभु, वहीं वृंदावन है, और वहीं यमुना गंगा नदियां और सभी तीर्थ स्थल हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहां स्वयं भगवान है वहीं तो वृंदावन है, वहीं गंगा है, वहीं यमुना है, वहीं सब तीर्थ स्थल है। तो ये गदाधर पंडित जी की देखिए कितनी उन्नत जो है उनकी रियलाइजेशन थी, कि भी उन्होंने रिवील किया चैतन्य महाप्रभु को कि भी आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, और आप ही वृंदावन हैं, और आप के दर्शन में, जैसा कि अभी प्रभु जी ने जो भजन गाया उसमें, कि गंगा के अंदर स्नान करने से जो है पाप दूर जाते हैं, परंतु जो वैष्णव भक्त हैं उनके दर्शन से ही जो है हम सब पवित्र हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर है,
पंडितेर भाव मुद्रा कह न जाए, गदाधर प्राणनाथ नाम होय ले जाए। तो उनका जो है एक नाम पड़ गया कि दूसरा नाम चैतन्य महाप्रभु का गदाधर प्राणनाथ। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनेक 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 नामों से जो है हम जो है उनका गुणगान करते हैं, उनसे आनंद में जो है हम जो है कीर्तन करते हैं, तो हम उसमें जोड़ सकते हैं एक गदाधर प्राणनाथ, अर्थात गदाधर के प्राण है वो। और पंडिते प्रभुर प्रसाद कह न जाए, गदाईर गोरांग बोली यारे लोके गाए। लोग महाप्रभु को गदाईर गोर अर्थात गदाधर पंडित के गोरांग रूप में जानते हैं, तो वो पोजेस करते थे, वो उसको ओन करते थे, वो जो है गोरांग महाप्रभु जो है उनके हर समय जो है चित्त में मन में उनके साक्षात सेवा में हर समय विराजमान थे, इसलिए हम उनको गदाईर जो है गोरांग भी बोल सकते हैं और बोलते थे भक्त। पंडितेर सौजन्य ब्रह्मण्यता गुण, दृढ़ प्रेम मुद्रा लोके करी लाख्यापन। गदाधर पंडित अपने नेक आचरण, अपने ब्राह्मण रूपी गुणों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने स्थिर प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात हैं। तो हम गदाधर पंडित से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने नेक आचरण हम सबके अंदर दें, और जो है इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारे जो स्थिर प्रेम जो है वो जागृत करें, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। एक बार गदाधर पंडित ने नित्यानंद प्रभु को जो है भोजन प्रसाद के लिए जो है अपने जो टोटा गोपीनाथ में रहते थे, तो वहां पर उन्होंने उनको जो है आमंत्रित किया, और नित्यानंद प्रभु बंगाल से आए थे और वहां से बहुत ही जो है विशेष चावल जो है जो सुगंधित चावल थे ऐसे वो चावल साथ लेके आए थे, और वो जो है उन्होंने गदाधर पंडित को दिया कि भी गोपीनाथ जी के लिए इसका जो है भोजन तैयार करिए। तो और इस प्रकार से उन्होंने जो है गदाधर पंडित ने बड़ा ही विशेष रूप से जो है उसका कुकिंग किया है, और वो बिल्कुल निपुण थे भोजन के अंदर बनाने के अंदर। तो अब चैतन्य भागवत से है ये, गोपीनाथ अग्रेनीना भोग लगाईला, हेना काले गोर चंद्र आसीला मिलीला। जैसे ही गदाधर ने भोग लगाया उसी समय महाप्रभु वहां पधारे। तो जैसे ही उनको, वो तो सभी के हृदय में है हर समय, उनको पता है कहां क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा कि भी गोपीनाथ को बंगाल से आए हुए वो भी नित्यानंद द्वारा दिए गए और स्वयं गदाधर द्वारा पकाए गए ऐसा जो है भोजन जो है वो भोग लग चुका है, तो तुरंत वहां प्रकट हो गए। हासिया बोले न प्रभु के न गदाधर, आमी की ना होए निमंत्रण भीतर। कि नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथेर प्रसाद, तोमार रंधन मोरा इथे आछे भाग। ऐसा सामान जिसको नित्यानंद लेकर आए वो गदाधर ने रसोई की और भगवान गोपीनाथ ने आनंद से भोग लगाया, उसमें अवश्य ही मेरा भी प्रसाद लेने का सौभाग्य है। तो इस चीज को हमको समझना है कि अगर अच्छा भोग हम तैयार करें तो भगवान लालायित रहते हैं, क्योंकि अच्छा भोग क्या है, जो भक्त के हृदय में जो प्रेम है वो उसके भोग के अंदर भगवान को अर्पण करने के अंदर वो प्रकट हो जाता है, और भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं, तो जैसे ही उसके अंदर जो है प्रेम जो है भक्तों का शामिल हो गया और भगवान ने बड़े आनंद से उसको जो है भोग लगाया, तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप के अंदर उसको प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहां पर आ गए। तो गदाधर की तोमार मनोहर पाक, आमिता ए मत कभू नाई खाई साक। जब उसका आस्वादन किया चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि ओ गदाधर, आपने कितना उत्तम और अद्भुत भोजन तैयार किया, मैंने ऐसा साक पहले कभी नहीं आस्वादन किया था। तो वो क्यों हुआ ऐसा, तो उसका अगले श्लोक में, भुजीलान वैकुंठे रंधन करी तुमी, तबे आर आपना के लुकाओ वा केनी।
राधा रानी वैकुंठ यानी गोलोक में श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाती है, तो उसी बात को महाप्रभु उजागर कर रहे हैं कि वही राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में यहां विद्यमान है और उन्हीं के द्वारा जो है ये जो है भोजन तैयार किया गया है और ये प्रसाद बन रहा है। तो उसी भाव में जो है चैतन्य महाप्रभु उसी आनंद के अंदर, तो राधा रानी से ऊपर तो कोई है नहीं, इसलिए हमारी किचन को भी राधा रानी की किचन कहा जाता है कि वो राधा रानी की किचन है। राधा रानी जो है वो नए नए व्यंजन हर समय बनाती रहती हैं और आज तक कोई भी व्यंजन उन्होंने दोबारा वही नहीं बनाया है और हर समय कृष्ण को जो है आनंद देती रहती है। तो इस चीज को हमको समझना है। तो मध्य लीला 3-6 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त श्री गदाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था और उनके जो शिष्य थे वो माधव उपाध्याय जो त्रिदंडी सन्यासी शिष्य के रूप में जो है उनको दीक्षा दी थी, उन्होंने कहते हैं कि इन्हीं मध्वाचार्य से पश्चिम भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रचार हुआ। जो गुजरात में और में सब जगह वल्लभाचार्य है, तो ऐसा प्रभुपाद जी ने वहां कहा है कि उनके ही शिष्य गदाधर पंडित के माधव उपाध्याय, उन्होंने ही जो है वो वल्लभाचार्य संप्रदाय वहां पर जो है प्रचार किया था उन्होंने। तो बाद में जब श्रीनिवास 16 वर्ष के थे वे जगन्नाथपुरी आए और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए गदाधर पंडित से उन्होंने निवेदन किया। वो महाप्रभु से जो है वो पढ़ने के लिए आए थे, पहले उनके दर्शन करने और उनसे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, परंतु जब तक वो जगन्नाथपुरी आए महाप्रभु जो है वो अंतर ध्यान हो चुके थे और उन्होंने जो है फिर इतना विलाप किया कि उन्होंने अपना जो है प्राणों का अंत करने का जो है निश्चय किया। और इसी प्रकार से रोते हुए जब वो मूर्छित हो गए तब स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए, तब उन्होंने उनको कहा गदाधर पंडित अभी भी पृथ्वी पर हैं और वे तुमको भागवत की शिक्षा देंगे और अपने प्राण त्यागने की बात को त्याग दो कि भी जाइए और गदाधर पंडित से भागवत का अध्ययन कर लीजिए, मैं नहीं हूं तो भी अभी पृथ्वी के ऊपर गदाधर पंडित विद्यमान है। तो श्रीनिवास पंडित जो है श्रीनिवास आचार्य उस समय जो है फिर गदाधर पंडित के पास गए तो उन्होंने हां तो भर दी गदाधर पंडित ने, पर उन्होंने कहा कि ये जो भागवत पुस्तक मेरे पास है वो चैतन्य महाप्रभु के जाने के कारण उनके विलाप से जो अश्रु प्रवाह हुआ है उससे वो पूरी जो है भीग चुकी है और वो पूरी जो है धूमिल हो चुकी है, वो उसके अंदर कुछ भी मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तो मैं कैसे जो है भागवत आपको सुनाऊं। तो उसकी एक पुस्तक फिर से लानी होगी। तो उस समय ब्राह्मण अपने हाथ से भागवतम लिखते थे क्योंकि छपाई नहीं थी उस समय। तो श्रीनिवास जो है बंगाल गए, फिर से एक भागवतम लेके आए, तब जो है गदाधर पंडित ने उनको जो है उसका पूरा जो है पाठ दिया और उनको जो है पूरा भगवत भक्ति का भक्त प्रेम का जो है दान दिया। तो महाप्रभु के अंतर्ध्यान के समय गदाधर पंडित 48 साल के भी नहीं हुए थे, बिल्कुल यंग एज थी उनकी, परंतु जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का अंतर्ध्यान हुआ जैसे उनके प्राण निकल गए और उनके जो शरीर में एकदम बुढ़ापा जो है प्रवेश कर गया, वो जीना ही नहीं चाहते थे, उनका विलाप के अंदर उन्होंने एक प्रकार से जो है बुढ़ापे का रोग जो है उन्होंने स्वतः इन्वाइट कर लिया और एकदम बूढ़े प्रतीत होने लगे। और वो गोपीनाथ जी की जो है नित्य सेवा करते थे और उनको गोपीनाथ को माला पहनाते थे, अब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे कि गोपीनाथ जी को वो माला पहनाए, तो स्वयं गोपीनाथ जी ने उनकी बात को समझ के और उनके कष्ट को समझ कर उन्होंने जो है स्वयं बैठ गए। और आज भी जो है वही गोपीनाथ बैठे हुए दर्शन देते हैं भक्तों को और विश्व भर में आज तक जो है बैठे हुए भगवान की यही शिव विग्रह हैं। तो कितना देखिए भक्त और भगवान का जो है रिलेशनशिप है। कौन कहता है कि शिव विग्रह बोलते नहीं हैं, कौन कहता है शिव विग्रह जो है आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो यहाँ साक्षात जो है गदाधर पंडित के लिए भगवान के विग्रह बैठ गए और वो सेवा जो है उनकी लेने लगे। तो कुछ समय बाद जो है गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ के विग्रह में ही कहते हैं समाहित हो गए और उनकी जो दंत समाधि है वो वृंदावन में
वंशी गोपाल मंदिर के पास है। श्री गदाधर पंडित की निताई घोर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो गदाधर पंडित के विषय में काफी विवरण दिया इन्होंने।